कहा जाता है कि धोनी जो भी करते हैं उसके कानों कान किसी को खबर नहीं होती। जिस तरीके से धोनी ने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज के बीच में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया था, उसे क्रिकेट इतिहास के सबसे शॉकिंग फैसलों में एक माना जाता है। उसी तर्ज पर आईपीएल सीजन की शुरुआत से एक दिन पहले खबर आती है कि महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी छोड़ दी है और रविंद्र जडेजा टीम के नए कप्तान होंगे। इस खबर ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। अचानक हुए ऐलान ने टीम के अन्य खिलाड़ियों पर भी नकारात्मक असर डाला। ड्वेन कॉनवे जैसे खिलाड़ी धोनी से पूछने लगे कि क्या मैं आपकी कप्तानी में नहीं खेल पाऊंगा। जवाब में माही ने कहा कि मैं कप्तानी तो नहीं करूंगा, लेकिन आसपास ही रहूंगा। अगर ये फैसला कुछ महीने पहले ही ले लिया गया होता तो शायद टीम में अफरा तफरी का माहौल नहीं होता और खिलाड़ी तैयारी पर ज्यादा ध्यान दे पाते। धोनी पिछले कई सीजन की तरह इस साल भी बल्ले से पूरी तरह फ्लॉप रहे। रविंद्र जडेजा के साथ सबसे बड़ी समस्या ये रही कि वो अपने हिसाब से टीम नहीं चला सके। मैदान पर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कप्तान की मौजूदगी जडेजा को फैसले लेने से रोकती रही। कई बार ऐसा लगा कि जड्डू सिर्फ टॉस करने के लिए है और टीम का असली बॉस कोई और ही है। इसी मानसिक दबाव में रविंद्र जडेजा का अपना प्रदर्शन भी निराशाजनक रहा। माही ने बताया कि शुरुआती दो मुकाबलों में तो उन्होंने जडेजा की पूरी मदद की, लेकिन इसके बाद उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। जडेजा के पास कप्तानी का कोई अनुभव नहीं था और ऐसे में उन्होंने हड़बड़ी में कई गलत फैसले लिए जो बाद में टीम पर भारी पड़े। लास्ट ईयर के ऑरेंज कैप विनर ऋतुराज युवा हैं और उन्होंने दोनों नई टीमों के भारी भरकम रकम के ऑफर को ठुकरा कर चेन्नई के साथ रहना स्वीकार किया था। ऐसे में रविंद्र जडेजा पर कप्तानी का बोझ डालने के बजाय ऋतुराज गायकवाड़ को ये जिम्मेदारी दी जा सकती थी। सीएसके के लिए ओपनिंग करने वाले 25 वर्षीय ऋतुराज लंबे वक्त तक टीम की कमान संभाल सकते थे। इस मामले में मैनेजमेंट से बड़ी चूक हुई जिसका खामियाजा चेन्नई को टूर्नामेंट से बाहर होकर भुगतना पड़ा और कहीं न कहीं प्लेऑफ से बाहर होने की वजह जडेजा भी रही। आपका इस पर क्या कहना है, अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।